कि इस देश के अंदर डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया गया है और वो ईवीएम के माध्यम से खत्म किया गया है। इस विषय पर बहुत गंभीर चर्चा हो रही है। भारत के अंदर विभिन्न संगठन, जैसे मेरे से पूर्व साथियों ने बताया, इस विषय पर अपना कार्य कर रहे हैं, तो मैं भी आप सब लोगों को एक अपनी सलाह देना चाहता हूँ, और वो सलाह मुफ्त की सलाह है। वो बहुजनों का एक मुफ्त का मीडिया होगा, लेकिन उसको गंभीरता से करने की जरूरत है। जैसे मैं ईएसआई में चिकित्सा अधिकारी हूँ, और मैं वहाँ पर ये पत्सील का जो पटका है ये गले में डाल करके बैठता हूँ, तो हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वो मेरे को जैथिन बोलते हैं, मेरे को जो गैर बहुजन लोग हैं वो भी जैथिन बोलते हैं। वो मेरे को शायद इसलिए बोलते होंगे कि कुछ देखते होंगे कि डॉक्टर साहब खुश हो जाएंगे तो एक आधी शीशी मेरे को फालतू लिख देंगे, लेकिन मैं अपनी पहचान लगा के बैठता हूँ। और इसी विषय से संबंधित जो है मैं बात कहना चाहता हूँ कि जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता नहीं है वो बिकता नहीं है। तो हमें लगता है कि हमारा जो माल है वो ऐसे है कि माल तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो बोरी में बंद है और वो पड़ा हुआ है बोले। जिन लोगों के पास में कुछ नहीं है, जो अंधविश्वास और पाखंड फैला रहे हैं, वो माला माल हो रहे हैं, बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। आप लोग लोकतंत्र फैला रहे हैं या साइंस फैला रहे हैं, तब भी तक की बात फैला रहे हैं, लेकिन पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे, पैसे आपके पास में इकट्ठे नहीं हो पा रहे, तो कुछ तो कहीं गड़बड़ है। तो हमें तो अपने आप को सुधारने की जरूरत है। हमें अपनी गाड़ियों पर लिखना चाहिए, जैसे हमारे हरियाणा के पूर्व साथी बोल रहे थे कि हम स्कूटर पे लिखेंगे, कि भाई अपना टेम्पो पे लिखेंगे, ऑटो पे लिखेंगे कि बैलेट नहीं तो चुनाव नहीं। इस तरह के मुद्दे हमें गाड़ियों पर भी लिखने चाहिए। मैं अपनी गाड़ी लाया हूँ, मैं अपनी गाड़ी पर भी लिखता हूँ कि बैन ईवीएम सेम डेमोक्रेसी सेम इंडिया। भारत को, भारत के अंदर लोकतंत्र को बचाओ, ये जो मुद्दा है हमको अपने, ये जो अपने पेपर पर लिखना है, किसी पर ये डिपेंड नहीं रहना है कि कोई हमको ला करके ये देगा कि हम तब अपनी गाड़ी पे चिपकाएंगे। आप सिंपली अपने कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकलवाओ कि लोकतंत्र हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ, लोकतंत्र बचाओ। ये सिंपल आप सब लोग अपने कंप्यूटर से निकालो, अपनी गाड़ियों पर लिखो, अपने स्कूटर पे चिपकाओ, अपनी गाड़ियों पे चिपकाओ, और ये तब तक लगे रहने दो, ये जब तक लगे रहने दो तब तक ईवीएम यहाँ हटती नहीं है, बैलेट से चुनाव नहीं होता है। क्यों कहते हैं कि आपने हजारों टन ग्रंथ पढ़ लिए हैं, हजारों टन किताबें पढ़ लिए हैं, लेकिन आपने व्यवहार उसमें से चुटकी भर भी नहीं किया ना, मासा भी उसके अंदर व्यवहार नहीं किया, तो सब बेकार है। तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन व्यवहार में चीजें लाएंगे नहीं तो उससे प्रॉब्लम होगी। जब मैं वहां बैठता हूँ दफ्तर के अंदर ये पंसील का पटका लगा करके, तो मेरे को दूसरे लोग भी जैविक बोलते हैं, तो फिर ये कैसे कमाल होता है? ये ऐसे ही कमाल होता है। हमको ये व्यवहार में लाना होगा, अपनी गाड़ियों पे चिपकाना होगा, और ये नहीं कि अभी सुन लिया और फिर जाकर निकाल लिया, ये कोई इसमें कुछ लगना नहीं है। तो ये हमें इसको व्यवहारिकता के अंदर लाना होगा। तो इससे मैं समझता हूँ कि चारों तरफ जब आपको गाड़ियां दिखाई देंगी कि भारत के अंदर एक ऐसा मूवमेंट छिड़ गया है कि लोग गंभीर हो गए हैं, लोग सच्चे हो गए हैं, ईमानदार हो गए हैं, तो ये बात कुछ बनेगी। तो हमें ये काम करना चाहिए। और दूसरा जो हमारा कोऑर्डिनेशन का काम है वो भी हम करें, और जो इससे और भी कोऑर्डिनेशन होगा, क्योंकि जब एक ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओगे, गाड़ी दूसरे वाला देखेगा, तो वो कोऑर्डिनेशन अपने आप होगा। मैं ज्यादा समय नहीं देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ भान प्रताप जी का कि उन्होंने कीमती समय में से मेरे को कुछ समय दिया, और इसको ये उम्मीद और आशा के साथ कि आप इसको व्यवहारिकता में लाएंगे, इसके साथ अपना समय समाप्त करना चाहता हूँ। ये मुझे अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।